नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। तो सबसे पहले मैं UMT का एवेंजर टूल दिखाना चाहूँगा। एवेंजर में कौन कौन से सेटअप चलते हैं, वो एवेंजर कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको पता ही है। आप एवेंजर GSM लिखेंगे या एवेंजर टूल या एवेंजर सेटअप या एवेंजर लेटर सेटअप लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, सारे सेटअप मिल जाएंगे। पर वो काम करेगा जिसमें UMT प्रो होगा, ठीक है। UMT में काम नहीं करेगा, वो काम करेगा किस में करेगा, UMT प्रो में काम करेगा। इसीलिए जब मैंने क्लास से पहले बोला था कि अगर आपके पास बजट है तो आप UMT प्रो लें, ठीक है, क्योंकि UMT प्रो में प्रॉफिट अब क्या मिल गया आपको, एवेंजर टूल का प्रॉफिट मिल गया। और उसका विथ प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि जो आपका मिरकल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है मीडियाटेक CPU को, जो UMT डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है मीडियाटेक CPU को, वो डिटेक्ट कर रहा है आपका एवेंजर टूल, जो कि विदाउट कोई भी की दबाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मीडियाटेक की बात करते हैं FRP की, तो उसमें बूट की क्या क्या होती है दीपक, बताओ। हाँ, मीडियाटेक की बूट की क्या क्या हो सकती है? प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, और बटन दबाए भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। बट अब देखो, मिरेकल से हमने ट्राई किया, अब हम कहाँ पे गलती करते हैं सर, कोई भी एरर आया, जैसे एक ब्राउन एरर आ गया आप में, ठीक है, आप मीडियाटेक की फ्लैशिंग कर रहे हैं या FRP हटा रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या हुआ, एक एरर आ गया, तो सीधा उस एरर को लेकर के आप ग्रुप में डाल देते हैं सर ये ब्राउन एरर क्या है। वो बूटिंग का एरर होता है, वो टूल का एरर होता है, मतलब कि आपको चार तरीके, ये चारों एवेंजर के सेटअप है, ठीक है। एक एवेंजर का ये मेन सेटअप है, ठीक है, ये एवेंजर का क्वालकॉम का सेटअप है, और ये एवेंजर का मीडियाटेक का सेटअप है, और ये एवेंजर का स्पेक्ट्रम, जो कि UMT में आपने UMT में देखा होगा स्पेक्ट्रम सपोर्ट नहीं करता है, जो आप UMT का सेटअप चलाते हैं उसमें स्पेक्ट्रम का सपोर्ट नहीं है ना, बट इसमें है एवेंजर, मतलब है तो UMT, बट ये चलेगा प्रो में, चलेगा किस में चलेगा, ये प्रो में चलेगा, ठीक है। तो ये देखो, तो मैं एक मीडियाटेक को लेके चलता हूँ अभी। इसमें आपको सारे सेटअप को आपको वॉच करना है कि इसमें कितने ऑप्शंस हैं, कहाँ से हमें FRP हटा सकते हैं, कहाँ से हम रीड इन्फो कर सकते हैं, कहाँ से हम किसी भी मोबाइल की रीड इन्फो निकाल सकते हैं, कहाँ से हम फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करना है। आप अभी लॉकडाउन में ऐसे तो नहीं है कि किसी के पास फ़ोन नहीं होंगे, कस्टमर के फ़ोन आपके सभी के ऑलरेडी सबके पास फ़ोन होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आप घर जाते हैं तो उस कंडीशन में बैठ करके खाली टाइम में जितने भी टूल हैं आपके पास प्रेजेंट टाइम में, जितने भी टूल हैं, मिरेकल होगा, UMT होगा, Z3X होगा, या CM2 होगा, या जो भी एनी टूल होगा आपके पास, मिरेकल थंडर है, तो इन सारे टूलों को आप चलाइए। उन चलाने के बाद सारे टूलों को देखिए कि कहाँ से क्या, कौन सा सेटअप, कौन सी सेटिंग क्या वर्क करती है, ठीक है। तो हम चलो मीडियाटेक को खोलते हैं, ठीक है। हमने UMT प्रो लगाया हुआ है, अगर इसमें UMT केवल नॉर्मल होगा तो नहीं चलेगा, इसमें हमें UMT प्रो सेटअप चाहिए। कौन सा सेटअप चाहिए? UMT प्रो सेटअप रहेगा तभी चलेगा, ठीक है ना। और अदरवाइज जब नेक्स्ट ईयर होगा जिनका UMT होगा तो वो हमेशा अब UMT प्रो का रिचार्ज करवाएंगे, तो उनको बेनिफिट्स, ये सारे टूल भी चलेंगे। इसमें स्पेक्ट्रम का सपोर्ट दिया हुआ है, मीडियाटेक तो है ही है, और इसमें क्वालकॉम का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्वालकॉम का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है जो आप, ठीक है। जब आप कभी किसी फ़ोन को, जैसे ये फ़ोन है हमारा, ठीक है, ये हमारा फ़ोन है, ये हमारा लॉक कंडीशन में फ़ोन है, ठीक है। अब इसको हम अगर सॉफ्ट रीसेट करेंगे या हार्ड रीसेट करेंगे, सॉफ्ट रीसेट होता है जो सेटिंग में जाके करते हैं उसे सॉफ्ट रीसेट बोलते हैं, ठीक है। बट जो की द्वारा करते हैं, किससे करते हैं, की मेथड से, उसे हार्ड रीसेट करते हैं, ठीक है ना। तो चाहे हार्ड रीसेट करो या सॉफ्ट रीसेट करो, उसमें आपका डाटा लॉस 110% होना है, ठीक है। ये क्वालकॉम का टैब है, ये क्वालकॉम का टैब है। जैसे देखो, यहाँ पे बहुत सारे ओप्पो, वीवो, एयरसेल, हवाई वगैरह वगैरह बहुत सारे मॉडल्स हैं इसमें। तो हम वीवो की बात करते हैं। वीवो में देखो, कुछ भी नहीं, कोई भी मॉडल सेलेक्ट नहीं करो, मेरा वीडियो इस पर भी एक बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें केवल सीधे क्या करना है, फैक्ट्री रिसेट वीवो, बस क्वालकॉम में फ़ोन को कनेक्ट करो, और अगर जो फ़ोन हटना है, जैसे जो फ़ोन हटना है ADL मोड पे, वो 110% इसको दबाना है और आपका ADL मोड पे फ़ोन हट जाएगा, बिना कोई मॉडल सेलेक्ट किए हुए, बिना कुछ भी किए हुए, चुटकी में हटेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करो, ठीक है।
मैंने Y91 किया था, बहुत ही इजी तरीके से हो गया था, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे। नहीं, Y71 के मैंने किया था, Y71 मैंने किया था, कुछ भी नहीं किया मैंने, पोर्ट बनाया और सीधे वीवो फैक्ट्री रिसेट कर दिया और फ़ोन करीब से करीब 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, फॉर्मेट हो गया। बट वो इसमें कहाँ चला जाएगा, FRP पे चला जाएगा। तो FRP तो इजी मेथड, मैंने वीडियो डाला हुआ है जो कि इतना बेस्ट है वीवो का FRP। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो मुझे नहीं पता, बट जिन लोगों ने देखा है तो आप लोग बताइए वीवो की FRP मैंने कितने को। डायरेक्ट कोई भी मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे, आपको कोई सा भी मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है, केवल आपको करना है, देखो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, कीप डाटा का भी ऑप्शन है यहाँ पे, देखो नीचे देख सकते हो ये ऑप्शन, आप जाके बिल्कुल ट्राई करो। यहाँ पे देखो कीप डाटा का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब आपका वीवो फैक्ट्री रिसेट तो होगा पर डाटा भी आपका बच जाएगा, ये आपको ट्राई करना है। समझ में आ रहा है, जैसे आप बोलते हैं सर वीवो के फ़ोन में डाटा बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते, बिल्कुल आप इसमें ट्राई करो, ठीक है। आप इसमें कीप डाटा करना है, आपका जो फ़ोन इसमें सपोर्टेबल होगा वो 110% वर्क करेगा, कुछ कुछ फोन है जो टेस्ट फोन से हमेशा कभी भी काम वो करो। निकाल लिया सर, वही है सर जो वर्जन डाल रहा हूँ ना, सब टेस्ट कर रहा हूँ ठीक है, वही तो अब वर्जन उसकी है। अपडेटेड फाइल डालो एक बार, रीड फाइल हो गया, मतलब एक बार फोन डेड होता है तो फोन जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में तो दे सकते हो ना। हाँ सर ठीक हाँ है सर। जनरेशन का भी मसला होता है क्या सर? क्या जनरेशन जनरेशन जनरेशन, अगर तुम्हारा 6 के ऊपर जाएगा तो 7 नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो Windows 7 यूज करने के लिए तो फिर 6 से नीचे वाला जनरेशन यूज करना पड़ेगा सर। आप कंप्यूटर शॉप वाले पे जाइए, जब आप नया लैपटॉप लेते हैं तो उनसे पूरी डिटेल लीजिए, कि उनसे खुल के बताइए कि हमें सॉफ्टवेयर का काम करना है, हमें कौन सा पीसी ज़्यादा सजेस्ट होगा, हमें जो Windows 7 चलता है आप हमें वो दीजिए। ठीक है सर, लेकिन आजकल जितना भी आजकल कंप्यूटर है वो तो नीचे का आ ही नहीं रहे ना सर। ऑनलाइन ऑनलाइन परचेज करो या सेकेंड हैंड परचेज करो। ओके सर धन्यवाद। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट एवरीवन, ओके सर गुड नाइट। ओके गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट।